मैंने ये बुक के साथ नीचे क्या हुआ था, अब आपको क्या हुआ है? ये मैंने जीरा ले लिया हुआ है एक चम्मच तकरीबन, और मैं ये ऑयल के अंदर डालूंगी ये। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज काफी दिनों के बाद जो है ना, मुझे मेरा व्लॉग बनाना याद आ गया है। असल मैं भूली नहीं हूँ, बट ये है कि थोड़ी सी मसरूफियत मेरी ऐसी थी और मेरी तबीयत भी थोड़ी सी खराब थी, तो जिसकी वजह से मैंने अपने व्लॉग्स नहीं बनाए और ना मैंने अपलोड किए। तो शेयर करूंगी मेरे साथ क्या हुआ था, और अभी भी मेरी टोटली तबीयत जो है ना वो सेट नहीं हुई। और तो आज काफी ज्यादा मेरे व्यूज जो है ना वो नीचे गिरते जा रहे थे। हालांकि पहले ही मेरा डेड चैनल है, इतने ज्यादा व्यूज अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी कंटिन्यूसली जो है ना मुझे अपनी वीडियोस ऐड करनी चाहिए, जो कि मैंने अभी तक नहीं की। तो इंशाल्लाह मैं अभी अपनी नेक्स्ट वीडियो जो है ना वो ऐड करूंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियोज भी लाजमी लाइक करें। ये जो हमारा फरमाइशी प्रोग्राम है ना, ये बुक के साथ नीचे क्या हुआ था, अब आपको क्या हुआ है? क्या हुआ है? दादू को तंग कर रही थी नीचे जाके, दादू ने चीज लेके दी है ना आपको, फिर क्यों जिद कर रही हो? चलो उठो, खड़ी हो जाओ, चल चलो अंदर, गर्मी है, चलो 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 शौकी। अब फिर रोना आ गया आपको? ये दादू ने चीज लेके दी तो है हुरैन, फिर आप क्यों नखरे कर रही हो? नहीं नहीं, पकड़ो इसको, चलो नहीं तो मैं लाइफ बाप को दे देती हूँ। सुनो बेटा, तो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सोनिया मेरा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चो ओए चो बिल्ली काम पे नहीं जाना, आज काम पे नहीं जाना तुमने। ये हमारी बेला जो है ना यहाँ पे होती है एयर कूलर के साथ, तो गाइज मैं बनाने लगी हूँ आज कड़ी। भाभी काफ़ी दिनों से पीछे पड़ी हुई है और भाभी कह रही थी कि मुझे बनानी नहीं आती, तो आप कड़ी पका के हम लोगों को खिला दो। तो फाइनली आज मेरा दिल किया, मैं बना के खिला देती हूँ इनको। और दही कितनी लेके आए हो? थोड़ी नहीं है ये? कितनी है ये? कितनी अच्छी है दही? बेसन भी मंगवा लिया था। ये मसाला मैंने काट लिए हैं, पालक का इंतजार है बस, तब तक मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ। तो फिर देख लेना मैंने ना कितना बेसन डालना है इसमें से। लस्सी बनाते हुए ना ये सारा मिक्स हो जाएगा इसके अंदर, ये तो गुठलियाँ बन जाएंगी, बस ये ध्यान रखना इसकी गुठलियाँ ना बने। मुझे ये तो पता नहीं चलता, ये एक किलो दही में कितना बेसन डालना? तकरीबन डेढ़ पाव डाल दो।
बस अभी इतना बहुत हो गया जितना मैंने डाल दिया, कम हुआ फिर मैं और थोड़ा सा डालूंगी। इतनी पतली जो है ना मैंने बेसन डाल के ना, इतनी पतली मैंने लस्सी बनाई है। अब जो भी चीज़ें डालनी है इसके अंदर मिक्स करके ना चूल्हे पर रख देना ताकि ये पकती रहे पूरा दिन। मैं फिलहाल इसमें डालूंगी हल्दी, नमक बस आप जरूरत जितना भी डालना है ना आप लोगों ने खुद डालना है ये वाला, अच्छे से मिक्स करके ना। अच्छा। मसाले हर बंदा जो है ना अपने घर के मुताबिक यूज करता है, तो किसी ने कम डालनी होती है मिर्चें, किसी ने ज्यादा डालनी होती है, वो अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और मैं इसको रख दूंगी अभी चूल्हे पे, मिर्चें कम है थोड़ी। इसके अंदर जो है ना थोड़ी देर के लिए आप लोगों को चम्मच हिलाना पड़ेगा ताकि इसके अंदर जो है ना ये देखिए ये गुठलियाँ बनना शुरू हो जाती हैं, तो ये गुठलियाँ नहीं बनने देनी बिल्कुल भी ना, ये तो कड़ी पता नहीं क्या ही पक जाएगी। दो तीन जब तक इसको बॉयल आएंगे तब तक इसको जो है ना इसी तरह चम्मच इसमें हिलाते रहें। गैस ये देखिए इसके अंदर जो है ना बॉयल आना शुरू हो जाएगा जैसे ही ना, तो फिर ये आस्ता आस्ता जो है ना ऐसे ठीक होना शुरू हो जाती है। ये देखिए ये आस्ता आस्ता और ज़्यादा ठीक हो जाएगी, तो फिर हमारी कड़ी हो जाएगी तैयार। ये देखिए पकौड़ा का सामान मैंने ले लिया हुआ है और इसमें मैंने आलू काट के डाले हैं, प्याज डाले हैं और मैंने इसमें पालक डाली है, सब्ज़ मिर्चें डाली हैं और मैंने रेड चिली डाली है, हल्दी डाली है और नमक डाला है और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लें और इसको अच्छे से जो है ना मिक्स कर लें। लेकिन कोशिश करें इसको जो है ना जैसे हम नॉर्मल पकौड़े बनाते हैं ना, तो वो उसका मसाला जो है ना हम लोग थोड़ा सा पतला रखते हैं, सही है। इसका मसाला जो है ना आप लोगों ने थोड़ा सा थिक रखना है ताकि आप जब कड़ी के अंदर पकौड़े डालते हैं ना तो वो टूटेंगे नहीं, इसलिए जो है ना जब आप इसको जो है पेस्ट बनाएंगे तो थोड़ा सा इसको जो है ना हार्ड रखना है आप लोगों ने, पतला नहीं रखना बेसन। देखिए मसाला मैंने इसके अंदर मिक्स कर लिया है, ये देखिए बहुत ज़्यादा मैंने पता है कि मैंने ये ठीक सा बनाया है ताकि पकौड़े जो है ना हल्के अच्छे से हो जाए। मैं जल्दी से पकौड़े तल लेती हूँ क्योंकि कड़ी हो गई है तैयार। ये देखिए माशाल्लाह से कड़ी हमारी कितनी प्यारी तैयार हो गई है, ये देखिए ठीक हो गई है लस्सी, जबकि हम लोगों ने कितनी पतली बनाई थी। और आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जब आप लोगों ने लस्सी बनानी है ना तभी इसके अंदर जो है ना मसाले सारे ऐड कर लेने, जो भी आपका दिल करता जो भी आपने मसाले इसमें ऐड करने हैं, क्योंकि हर बंदा जो है ना अपनी मर्ज़ी से बनाता है और अपनी मर्ज़ी से मसाले ऐड करता है। तो मैंने इसमें गर्म मसाला नहीं डाला, मुझे पसंद नहीं है कड़ी के अंदर। तो ये देखिए अगर तो आप पकने के दौरान डालेंगे ना बीच में मसाले तो वो जो है ना जैसे आप रेड मिर्चें डालते हैं तो फिर वो जो है ना इसके अंदर गुठलियाँ बन जाती हैं और कोई गुठली नहीं है। ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी बनी है, ये देखें ये देखिए। तो तुम खा के चली जाओ, बन जाएंगे अभी ये, बन जाएंगे बिल्ली अभी खा लो।
ये देखिए माशाल्लाह से पकोड़े हमारे हो गए हैं। जब ऐसा कलर आ जाएगा, ब्राउन हो जाएंगे, तो आप लोगों ने जो है ना साथ ही पकड़ के इसको कढ़ी के अंदर ऐड कर देने। कहते हैं जो कभी कभी काम करते हैं ना, उनके साथ ऐसा तो होता ही है। ये देखिए दो जगहों पे मेरे जो है ना ऑयल गिर गए, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, थोड़ा सा हाथ जल गया यहाँ से मेरा। और इस वाले चम्मच के साथ तो जो है ना मुझे वैसे बड़ी मुश्किल हो रही है फ्राई करते हुए। ये चम्मच नया लेने वाला है इंशाल्लाह जो है ना, अभी जब मार्केट जाऊंगी तो फिर मैं लेकर आऊंगी। भाभी पता नहीं कैसे इसके साथ बना देती है, पूरा रमज़ान में भाभी ने इसके साथ पकोड़े तले हैं। और ये देखिए ये इतना जल जल रहा है ना, ये देखिए लाल हो गया यहाँ से और यहाँ से। ये देखिए गाइस, बिस्मिल्लाह, कढ़ी हमारी हो गई है, अंदर पकौड़े अब मिक्स कर दूँगी। और ये जो पकौड़ों वाला मेरा ऑयल है, इसमें से मैं थोड़ा सा निकाल दूंगी और जितना मैंने तड़के के लिए मुझे ज़रूरत है मैं उतना इसमें से रख लूँगी, क्योंकि जिसमें पकौड़े फ्राई करते हैं ना उसी के घी में तड़का लगाना जो है ना ज़्यादा अच्छा होता है, बड़ा अच्छा टेस्ट आता है, क्योंकि इसके अंदर जो है ना पकौड़ों का टेस्ट है। मैं इसके अंदर बस तड़का लगाऊँगा। ये मैंने ज़ीरा ले लिया हुआ है एक चम्मच तकरीबन, और मैं ये ऑयल के अंदर डालूँगी। ये अभी ब्राउन हो जाएगा और ये मैंने कड़ी पत्ता डाल दिया है इसके अंदर। ज़्यादा नहीं आपने इसको पकाना। ये देखिए ब्राउन हो गया, बिस्मिल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ गया हुआ है हमारी कढ़ी का। ये देखिए गाइस, जो ऑयल गिरा था मेरे हाथ के ऊपर, अब जो है ना इसमें ना पीप बन गई है और छाला टाइप बन गया। वैसे इधर भी था लेकिन इधर इस तरह का छाला नहीं बना, बट यहाँ पे बन गया हुआ। ये देखिए क्या हाल हो रहा है मेरे हाथ का। ओके जी गाइस, मेरी कढ़ी जो है ना वो बन के तैयार हो गई हुई है, और मुझे आज किचन में बैठ के ना बड़ी शिद्दत से इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि अम्मी गर्मियों में खाना बनाती थी ना, और जब अम्मी किचन से बाहर निकलती थी तो पीछे से जो ना अम्मी की पूरी कमीज पसीने से भरी हुई होती थी, तो मुझे वो टाइम याद आ रहा था। लास्ट गर्मियों में ही, अभी मेरे ख्याल से गर्मियों के आखिरी दिन चल रहे थे अक्टूबर में, और अम्मी की जिस दिन वफात हुई है ना उसी दिन रात को जो है ना मौसम एकदम से चेंज हो गया था, और उसके बाद से मौसम स्टिल जो है ना ठंडा ठंडा ही जा रहा है। तो खैर मैं इतना ज़्यादा डीपली नहीं जाऊंगी, क्योंकि जब भी मैं मम्मी को याद करती हूँ ना तो मेरी आंखों में ऐसे आंसू आ जाते हैं, फिर आप लोग कहेंगे कि पता नहीं ये ड्रामे करती है या ऐसे जानबूझ के शो ऑफ करवाती है, तो अच्छा भी नहीं लगता ना। और खैर जो भी है, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मैं आप लोगों से मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और अपना रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।